Hey guys, Joy this side and you are watching Joy Logs and bhai there is a problem in my iPhone. कल मैं बाहर पोर्ट्रेट ले रहा था तो मतलब ब्लैकआउट हो जाता था, पता नहीं आपके साथ भी होता है, ये आईफोन 13 के साथ ही है। बाकी एक बार हम पोर्ट्रेट लेके देखते हैं आईफोन 13 से, अब भी हो रहा है क्या? दिस इज पोर्ट्रेट मोड, आईडी के यार पता नहीं क्या होता है इसके साथ, जब भी बाहर जाते हैं तो ब्लैक आउट हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया था जब मैं मॉर्निंग हिल गया था, तब भी कर रहा था, कल भी कर रहा था जब मैं बाहर शूटिंग कर रहा था पोर्ट्रेट मोड में, यार पता नहीं क्या दिक्कत है अब। बाकी मेरे पास एक आईफोन 6s पड़ा है, ये भी दिखाना है आज, ये चार्जिंग नहीं होता, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये तो दिखा के आते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फाइनली ये फिट हो गया है मेरा। ओके गाइस, अभी मैंने पाजी से पूछ लिया है जहाँ से मैंने फोन किया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे यार अंदर नहीं होता पोर्ट्रेट मोड में ग्लिच, ये वाला जो ग्लिच है सिर्फ बाहर होता है, वो या तो भाई ओवरहीटिंग के कारण होता है या फिर कोई और कारण है, मुझे नहीं पता। कोई अपडेट आएगा आईफोन का, पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, सो आई डोंट नो। अभी मैं लीला भवन जाऊंगा, लीला भवन से हम आईफोन 6s है जो उसका चेकअप करवाना है, वो चार्जिंग नहीं हो रहा, तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं चार्ज हो रहा, सो उसको चेक करवा दो। और हमने जाना है आईफोन, मतलब मोबाइल का भी दुकान है, मोबाइल दिखाना हमने आईफोन। तो ना वो फ़ोन तो मैंने दे दिया है, वो बोल रहे हैं चार्जिंग पत्ता पड़ेगा, 450 का बोल रहे हैं, तो ठीक है यार मैंने एक जगह और पता किया था इतने का ये चार्जिंग पत्ता, तो बट कोई और प्रॉब्लम ना हो तो वो बोल रहे थे कि फ़ोन करके बता देंगे अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो, पहले ऑब्वियसली वो चेकिंग करेंगे कि सही है या नहीं। यार आप देख सकते हो बाइक पर इतना ज़्यादा सामान लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन राइट नाउ आई हैव टू वॉश माई बाइक क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी है यार, मतलब मैं खुद नहीं करूँगा, बाइक वॉश करवाने जा रहे हैं हम ऑब्वियसली। अभी आज बाइक वॉश हो जाएगी तो आपको पूरा एक्सपीरियंस देता हूँ बाइक का। इतना दिन से मेरा बाइक ना दिखाने का यही कारण था क्योंकि मैंने वॉश नहीं करवाई थी, तो राइट नाउ आई एम वॉशिंग माई बाइक, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस अगर आपने कुछ भी करवाना है, बाइक का सर्विस करवानी है, वॉशिंग करवानी है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। NS is ready यार, बाइक धो चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये ऊपर मैंने स्टिकरिंग करवा रखी है, वैसे ये ब्लैक कलर की है। अभी बाइक वॉश करवा ली है यार, नई नई निकल चुकी है एकदम, और कोई भी काम करवाना हो तो अच्छा रहता, बढ़िया रहता है। और भाई टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 2:30 बजने वाले हैं और भूख बहुत लग रही है, तो पूजा रास्ते में बाद मुझे भूख भी लग रही थी यार, मैंने कुलचा खा लिया एक, और बेस्ट थिंग इस कुलचे की ये है जो यहाँ पे मिलता है कि ये भाई देसी घी से बना होता है, मतलब सिर्फ बोलने को नहीं है, जब आप टेस्ट करोगे ना तब भी आएगा आपको। ये है दुकान साहब गुरुद्वारा साहब के पास सिंह कुलचा। तो भाई मुंह की ना पूरी बैंड बच चुकी है, मतलब इतना पोल्यूशन और इतनी धूप थी ना सनलाइट में, मेरे स्किन को भाई बहुत इफेक्ट पड़ता है, इससे स्किन डैमेज हो जाती है। मैं क्रीम्स लगा के जाता हूँ, सब कुछ लगा के जाता हूँ, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं तो सोच रहा था अभी 2:30 बजे होंगे, लेकिन अभी भाई 3:30 होने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस डाल लेता हूँ पीसी में, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ,
क्योंकि फिर शाम को 6 बजे जॉब पे भी जाना है, तो फिर जॉब से आके मैं थोड़ी सी एडिटिंग तब कर लूँगा। तो वहीं पूरे बिजी चल रहे हैं, दिन रात पूरा एक हो रखा है। इट्स 5:21 और मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, मिलता हूँ आपको ऑफिस से आके। अभी मैं रोटी खा के आ गया हूँ ऑफिस से, ब्रेक हुई थी बेसिकली, 1 घंटे की ब्रेक होती है, वो कभी भी ले सकते हैं रोटी खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो मैं आ चुका था अपने फ्रेंड के साथ, ही इज़ माई फ्रेंड रूप राय, एंड अभी हम भाई लाइटिंग का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये वाली लाइटिंग का बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है, बाकी बहुत अंधेरा है। और चाय के साथ खाने के लिए मैंने ले लिए थे कुरकरे 2 यमी के। बाकी रोटी खाने के बाद थोड़ी सी सैर तो करनी बनती है यार, वैसे तो 10 बजे गेट बंद हो जाता है, लेकिन आज थोड़ी ब्रेक लेट ली है हमने, तो इसलिए थोड़ा सा तो लेट करके जाएंगे। दिस इज़ द डेकोरेशन फॉर दशहरा, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है यार, दशहरा उसके बाद दिवाली उसके बाद आते रहेंगे, तो ऐसी डेकोरेशन बहुत देखने के लिए मिल जाएगी आपको शहर में। एंड दिस इज़ पटियालाज़ प्रीमियम स्वीट शॉप, एंड इसके सामने बिल्कुल ठेका, प्रीमियम ठेका। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई सस्ती वाली बोतल मिलती होगी, सारी बोतलें यहाँ पे भाई 1500 से शुरू होती होगी। एंड दिस इज़ ऑफिस कैफेटेरिया, यहाँ पे मशीन लगी हुई है कॉफ़ी के लिए, और अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, एंड दिस इज़ द मशीन। भाई अपना ब्लॉग देखते हुए तो भाई ये जो बंदा देख रहा है ना, पूरा मोटिवेशन की दुकान है, इसने इतना मोटिवेट कर रखा है ना मुझे, पिछले 5-10 मिनट से इसके साथ में हूँ और चाय वगैरह पी है, इतनी मोटिवेशन दे रहा है ना बंदा, एकदम एक नंबर है यार। गाइस हम पी रहे हैं चाय, तो भी सुन रहे हैं हमारा, एंड राइट नाउ 2 AM इन द मॉर्निंग, और अभी हम दोबारा से कैफेटेरिया में चाय पीने आए हैं। लगातार बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना चाहिए बीच में, अच्छा रहता है, क्योंकि जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है ना तो थोड़े हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहते हैं बीच में। सो टाइम इज़ नाउ 3:05 हो चुके हैं मॉर्निंग के, और अभी छुट्टी हो चुकी है, अभी हम घर जा रहे हैं। Planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride. The stars align. 3:20 in the morning. और ऑफिस से छुट्टी हो चुकी है, थोड़ी सी हमने शूटिंग कर ली है बाइक की, और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। अभी जाके देखूँगा यार, व्लॉग एडिट करूँगा और डालूँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। सो ओके गाइस, इट्स 3:38 इन द मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग आप सबको। तो अभी मैं सारी वीडियोस को पीसी में ट्रांसफ़र करूँगा और उसके बाद देखेंगे व्लॉग की एडिटिंग करूँगा, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि नींद थोड़ी कम ले लेंगे, बट व्लॉग एडिट करके अपलोड करेंगे ही। इट्स 5:55 इन द मॉर्निंग, और आई जस्ट फिनिश्ड माई वीडियो एडिटिंग, लेकिन अभी थंबनेल पड़ा है और वीडियो अपलोड करनी है। आई होप के 6:30 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी और चैनल पे लाइव हो जाएगी, और उसके बाद मैं सोऊंगा भाई, 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक सोएंगे, उसके बाद थोड़ा ऑफिस का काम करना है, ऑफिस का काम करेंगे। तो कल शायद व्लॉग नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी दिन रहेगा यार, देखो ऑफिस के साथ व्लॉग करना बहुत ही मुश्किल रहता है। आज चलो मेरे पास थोड़ा टाइम था इसीलिए कर लिया, बाकी सैटरडे संडे बड़े व्लॉग्स आया करेंगे, और बाकी दिन मैं कोशिश करूंगा कि मिनी व्लॉग्स आते रहें चैनल पे, क्योंकि आपके साथ इंटरेक्ट रह सकूं इसीलिए मिनी व्लॉग्स तो करेंगे ही। और हाँ यार, इतनी डेडिकेशन दिखा रहा हूँ तो थोड़ी सी डेडिकेशन आप लोग भी दिखा दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी अपने व्लॉग्स तो यार फैमिली फ्रेंडली रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ अपने स्टेटस पर शेयर कर सकते हो, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, इतना सा थोड़ा सा रिवार्ड मांगता हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके एक शेयर से। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, जय लॉग्स।
crazy in a different world.